हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एसपी शुक्ला, आप समस्त चाहने वालों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी आगामी परीक्षा जो कि बृहद स्तर पर जो आने वाली है टीजीटी पीजीटी के लिए, आपके लिए एक सीट सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पूरे वादे और इरादे के साथ आधुनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ों के साथ आपके बीच में सबसे बेस्ट किया जा सकता है, उन सुविधाओं के साथ आप सभी विद्वान साथियों का, आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चे आपको पता है, साहित्य जो है, साहित्य की जो गति होती है कलकल निनादनी पुण्य सलिला भागीरथी की अबाध धारा के सदृश है, जो सभी विज्ञ सहृदय जनों को नित्य नूतन परिवेश धारण कर आह्लादित करती रहती है। इसीलिए उसकी गति, विधि, उद्गम और स्रोत आदि से अभिज्ञ होने के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा प्रबुद्ध चिंतन की नितांत आवश्यकता होती है। उन्हीं आवश्यकताओं के साथ मैं आपका अपना दोस्त एसपी शुक्ला स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चे आपको पता है, साहित्य जो होता है यह ज्ञान का संचित कोष होता है, यानी साहित्य ही आपको बताता है कि आपको ज्ञान की कितनी पराकाष्ठा है, यानी इसीलिए कहा जाता है साहित्य ज्ञान की संचित कोष होती है, और जो भाषा होती है वो ज्ञान संचयन का माध्यम होता है, यानी जो हमें ज्ञान होता है वो हमें भाषा के माध्यम से ही होता है। मीन्स कहने का क्या है, जरा आप गौर से सुनिए, इस वाक्य को देखिए कितनी बड़ी बात लिखा, साहित्य ज्ञान की संचित कोष होती है, और जो ज्ञान होता है वो भाषा के संचयन का माध्यम होता है, यानी भाषा ही उसका माध्यम होता है। कहने का मींस क्या है, साहित्य और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इन दोनों को आपके बीच में बहुत अच्छे से कराने के लिए आपके बीच में मैं आज से क्लास की शुरुआत करने चल रहा हूं। पहली क्लास के साथ जिन बच्चों को आवश्यकता हो, जो 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मैं पूरे वादे और इरादे के साथ कह सकता हूं, यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि टीजीटी पीजीटी में आज तक आपने इस तरीके से हिंदी नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। ये मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं है, ये हमें अपने ऊपर विश्वास है, ये हमें अपने ऊपर विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाता हूं। यदि आप देखते हैं, आप अगले कुछ दिन की क्लासेस में खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन की पहचान उसकी बैटिंग से की जाती है, एक अच्छे बॉलर की पहचान बॉलिंग से की जाती है, एक अच्छे शिक्षक की पहचान उसके कंटेंट से की जाती है। तो बस आपके बीच में कंटेंट के माध्यम से अभी अगले कुछ दिनों तक डेमो के माध्यम से आपके बीच में वीडियो क्लास के माध्यम से जुड़े रहेंगे। बाकी जो है, क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर वे में, तो लाइव क्लास के माध्यम से आप जुड़ेंगे। आप जो है, जिन बच्चों को आवश्यकता हो, आप लोग जो है संस्थान से कांटेक्ट करें। जैसा कि बच्चे पता है, इसमें विषय सूची अगर देखा जाए तो भाषा आपका है, भाषा केवल लिखने मात्र का भाषा है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, और इसी भाषा में ही आप जो है व्याकरण का भी अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, व्याकरण के लिए भी अध्ययन करेंगे। ऐसे हमारे साथी जो केवल और केवल व्याकरण के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो भी आप व्याकरण के लिए जुड़ सकते हैं। तीन तरीके से क्लासेज आने वाली हैं। अब तक YouTube के इतिहास में आपने कतई इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा कि तीन तरीके से, तीन माध्यम से आप क्लास देखोगे। प्रैक्टिस भी साथ में देखो, क्लास भी एक साथ में देखो, और शब्द शक्ति को भी आप बहुत आबाद रूप से बढ़ाते चलो। और दूसरा चैप्टर आपका भाषा विज्ञान, तीसरा पद्य, पद्य में आपका जो है इतिहास भी पढ़ेंगे, और उसके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे, और जो बड़े बड़े हमारे कवि हुए उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। गद्य में इसी तरीके से, और काव्य शास्त्र में के अंतर्गत जैसे आपका रस छंद अलंकार हो गए, इन सब का बहुत विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम आपके बीच में पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको साहित्य के इतिहास, यानी साहित्य के इतिहास के माध्यम से आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों, मत रूप निहारो दर्पण में। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर मन में। निज रूप निहारो अंतर मन में, अंतर मन उज्जवल हो जाएगा। यदि आप अंतर मन को उज्जवल करना चाहते हो,
तो पूरे यकीन और विश्वास के साथ आप जुड़िएगा, उस विश्वास को पूरा करेंगे, क्योंकि अब जो आपकी परीक्षा होने वाली है पुरातन रूप को त्याग कर दिन प्रतिदिन नूतन परिधान का रूप धारण कर रही है। और जो अब सिलेबस में आप देखोगे, लिखने को सामान्य हिंदी या सामान्य व्याकरण लिख दिया जाता है, लेकिन चीजें बहुत ही घुमा फिरा के आती है, कॉम्पिटिशन अपने चरम सीमा पर है। इसको यदि आप क्रैक करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरे विश्वास और यकीन के साथ कहता हूं कि अपनों के लिए, अपने के ही द्वारा, आप सभी के लिए ही, अपनों की ताकत को ही अपनी ताकत बना करके, अपनों के साथ ही आपके बीच में 100% करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के सेशन में हम पहले प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे, अगली कुछ क्लासेस में हम प्रश्नों की श्रृंखला को ही देखेंगे, फिर उसके बाद आपके बीच में पूरी क्लासेस होंगी दिन प्रतिदिन के माध्यम से, जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से आपके बीच में जुड़ते हैं। ये मेरे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था कई मर्तबे या टीजीटी की परीक्षा में, केवीएस में, एनवीएस में, पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो देखिए इस पर चर्चा करेंगे, देखिए क्या दे रहा है ऑप्शन में, संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, यानी यहाँ पर भाषा पूछा जा रहा है। अच्छा, भाषा पे आने से पहले हम जानते हैं उन साहित्यकार का नाम जिन्होंने लिखा था, तो बताना चाहूँगा मेरे मित्र, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात, आपसे कहे कि सूत्रपात किसने किया था। देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे कह सकता है कि सूत्रपात किसने किया, या फिर आपसे ये कह सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम। देखो कई सारे तरीके से, या तो सूत्रपात पूछेगा या फिर बात करेगा प्रथम लेखक की, बात किसकी बात करेगा, प्रथम लेखक की बात करेगा, तो उसका नाम क्या आएगा मेरे मित्र, गार्सा द तासी ने किया था। किसने किया था, गार्सा द तासी ने किया था। तो एक क्वेश्चन के साथ देखिए कितने सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ें, सूत्रपात पूछे या प्रथम लेखक की बात पूछे तो गार्सा द तासी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ये आता है कि किस भाषा में किया था, तो भाषा में कौन सी भाषा में किया था, फ्रेंच भाषा में किया था। आपको ये दिख रहा है ऑप्शन फ्रेंच भाषा, आपको बताना चाहूंगा फ्रेंच को कहीं कहीं पर आप ये देखेंगे फ्रेंच लिखा रहेगा, या फिर फ्रेंच ना लिख करके आपको देखेंगे फ्रांसीसी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, फ्रांसीसी। यानी जैसे क्वेश्चन कहे कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा द तासी किसके विद्वान थे, जब किसके विद्वान थे, क्योंकि फ्रेंच भाषा लिखते थे, फ्रेंच का जानकारी था, इसीलिए किसके हुए विद्वान, फ्रांसीसी भाषा के क्या हो गई, ये विद्वान हो गए। तो अगर आपसे पूछेगा किस भाषा के विद्वान थे, तो किस भाषा के थे, फ्रांसीसी भाषा के विद्वान। जैसे हिंदी हिंदुस्तानी कहा जाता है ना कि हिंदुस्तानी, तो ऐसे देश का नाम के लिए यूज किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में, किस भाषा के विद्वान थे, फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो फ्रेंच भाषा लिखा उन्होंने पहला सूत्रपात किया, तो वो ग्रंथ कौन था, उस ग्रंथ का नाम आपसे पूछा जा सकता है, आखिर वह कौन सा ग्रंथ है जिसके कारण ये जाने जाते हैं, तो उस ग्रंथ का नाम लिखिए इस्तवार द ला लितरेत्युर एंदुस्तानी
देखिए बहुत आराम से ध्यान से सुनते हुए चलिए, नोट करते चलिए, बहुत अच्छे एक साथ में आपको कई सारे प्रश्न लिखेंगे। तो कौन सा ग्रंथ लिखा था उन्होंने? इस्तवार द ला लित्रियुत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो होता है वर्ण क्रमानुसार मिलता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करिए, वर्ण क्रमानुसार वर्णन मिलता है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ण क्रमानुसार वर्णन मिलता है। तो जब बात वर्ण क्रमानुसार विवरण की आएगी तो इस्तवार द ला लित्रियुत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी हो जाएगी। अच्छा, इसका प्रथम भाग कब आया था, इसका द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ, दो ये प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इस्तवार द ला लित्रियुत्तर का जो प्रथम भाग था, इसको हटाना चाहूंगा, नोट करिएगा, प्रथम भाग जो था सन 1839 ईस्वी में आया और इसका जो द्वितीय भाग था वो 1847 ईस्वी में आया यानी प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग कब 1839 में, द्वितीय भाग कब 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब देखिए ये किसके अनुसार मैंने आपको बताया, वर्ण क्रमानुसार की बात करा, लेकिन आपसे कई मर्तबे यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो देखो वर्ण क्रमानुसार की बात करेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन आप इसी पॉइंट को नोट कर लीजिए, यदि आपसे कहे काल क्रमानुसार, किसके अनुसार, काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो मेरे साथ इस पॉइंट को नोट करिए, द मॉडर्न वर्ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कौन सा ग्रंथ है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपसे कहे काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ या इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। और बताना चाहूंगा, अच्छा ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पत्रिका के द्वारा आया ये भी पूछा जाता है। तो देखो इससे बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा सन 1888 ईस्वी में यानी 1888 ईस्वी में किसके द्वारा, ये भी नोट कर लीजिए आप, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किसके द्वारा, नाम उनका नोट कर लीजिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, किसके द्वारा फ्रेंड्स, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित की गई, कौन सी पुस्तक रची गई, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि आपको बताना चाहूंगा नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इसे कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का जो वर्णन किया है वो काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। तो देखिए कितने सारे प्रश्न निकल के आए आपके, देखिए मैंने आपको बताया वर्ण क्रमानुसार की बात करेगा तो देखो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया या रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, तो हिंदी साहित्य इतिहास की पहला ग्रंथ जो माना जाता है इस्तवार द ला लित्रियुत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, उस ग्रंथ के लेखक कौन हैं, गार्सा द तासी हैं। लेकिन बात जब आपसे काल क्रमानुसार की करेगा तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। इस ग्रंथ को लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में, इसमें 1828 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो देखो कई सारे प्रश्न बने कि नहीं, एक प्रश्न के साथ कितने सारे प्रश्न बने। अच्छा एक प्रश्न और भी बन सकता है, आपसे कह सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो देखो जब बात प्रयास की बात आती है तो आप बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हो, जॉर्ज ग्रियर्सन और गार्सा द तासी में, तो जब प्रयास की बात करेगा तो
प्रयास भी जो है इन्हीं का नाम आपको याद करना है, गारसा द तासी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गारसा द तासी हो जाएगा। तो एक साथ हमने देखा आपको कई सारे प्रश्नों से रूबरू कराया है। चलिए अगले सेशन, आज के सेशन के सेकंड क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है इस सेशन का। प्रश्न कह क्या रहा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। कौन सी बात हो रही है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। मित्रों बताना चाहूँगा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान में नाम आता है जोहान्स जोशुआ केटलर का। किसका नाम आता है? यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, जोशुआ केटलर। वैसे इनका पूरा नाम है जोहान्स जोशुआ केटलर। अच्छा, किस भाषा में? डच का मतलब आप समझते हैं पुर्तगाल। डच का मतलब क्या होता है? पुर्तगाल। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिए। डच मतलब पुर्तगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। तो ये कैसे बनकर आए थे? ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में किसके लिए, किसके लिए? तो व्यावसायिक, ये भी पूछा हुआ है, किसके लिए आए थे? व्यावसायिक, नोट डाउन करते चलिए, व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से जो है हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी। कौन सी पुस्तक भी है? इनकी पुस्तक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी। किसके लिए लिखी थी? कि ये हिंदी थोड़ा सा हमारे देश के लोग जो हैं डच यानी पुर्तगाल के लोग पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जाके भारत में हिंदी का प्रयोग करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से फैला सकेंगे। किस सन में ये हिंदुस्तानी ग्रामर प्रकाशित हुई, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो 1715 के आसपास, 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना जो है डच भाषा में की गई, ऊपर मैंने आपको बता दिया डच मतलब डच भाषा में की गई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्वास्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर का जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ, किस ग्रंथ में? तो लिंग्वास्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ पुस्तक में उसका वर्णन किया है। और बताना चाहूंगा मित्रों, सन 1943 ईस्वी में, कब? सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी, मैं हटाता हूं, देखिए यहां पर दिया है ना किशोरी दास वाजपेयी, तो बिल्कुल 1943 ईस्वी में किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। तो देखो ये आप नोट कर लीजिए, ब्रज भाषा, कौन सा भाषा? ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ, और इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, कौन सा? हिंदी का नमूना 1949, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्ति 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ। तो इससे देखिए बहुत सारे प्रश्न निकल के आए। पहला प्रश्न तो यही था कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं, तो जोशुआ केटलर जी हैं। कौन है भैया? जोशुआ केटलर। कौन सी भाषा में लिखा? डच पुर्तगाल। क्यों लिखा? कि जिससे जो है इनके देश के जो लोग हैं उनको बिजनेस करने में यानी व्यापार करने में, व्यवसायिक करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? हिंदुस्तानी ग्रामर। कब प्रकाशित हुई थी? 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी। तो देखो इतने सारे तरीके से प्रश्न निकले। बाकी बात जब आती है किशोरीदास वाजपेयी की, तो किशोरीदास वाजपेयी ने जो है ब्रज भाषा, ये भी पूछा गया है कई बार, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं, नोट कर लीजिए, ब्रज भाषा व्याकरण। ब्रज भाषा व्याकरण कब प्रकाशित हुई, तो ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखा गया, तो सन 1943 ईस्वी में किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ, और इसी के साथ व्याकरण लेखन की एक नई परंपरा आ गई थी। और जॉर्ज ग्रियर्सन का हमने बता दिया कि जॉर्ज ग्रियर्सन यानी डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्वास्टिक
सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का जो है वर्णन किया था। किस पुस्तक का? यही जो हिंदुस्तानी ग्रामर है उसके लेखक के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया था। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? अब यहाँ पर व्यवस्थित रूप की बात की जा रही है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। किसको जाता है फ्रेंड्स? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। और अब मैं बता दूं आपको, TGT PGT की परीक्षा में आपको परीक्षा पास कराने में किसका श्रेय होगा? तो SP शुक्ल को होगा। किसको होगा? SP शुक्ल का शुक्ल को होगा। आप यही समझ जाइए कि आपके बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ा रहे हैं। मन लगा के पढ़ो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे। एक बार सभी थंब का निशान दे दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पर, अपने मूलभूत प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपने पढ़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य का इतिहास, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास कब? 1929 यानी 1929 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1929 में लिखा गया, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो हिंदी, आपसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया, कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में। जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि रामचंद्र शुक्ल का लिख लीजिए, लिखने में कोई कंजूसी ना करिए, कौन सी पुस्तक लिखा है भैया रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो लिखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए कब लिखा इन्होंने भैया? 1929 में लिखा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर, अभी मैंने ऊपर बता दिया किस कृति के रूप में भैया? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर। क्वेश्चन फिर आपसे मैं रिवीजन करा दूं, हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया। कब लिखा गया या कब प्रकाशित हुआ, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है, प्रकाशन वर्ष की आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1929 होगा, 1929 ईस्वी होगा। क्वेश्चन ये कह सकता है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया? मैंने बताया ना कि बाद में ये क्या हो गया था, पहले तो लिखा गया, बाद में यह स्वतंत्र ग्रंथ बन गया, तो दूसरा ग्रंथ नहीं है, वो यही ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ही जो है, बाद में इसको क्या कर दिया गया, एक स्वतंत्र ग्रंथ की संज्ञा दे दी गई। तो मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर चार कह क्या रहा है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है, किसके रचना काल की बात हो रही है मेरे दोस्तों? शिव सिंह सरोज की रचना काल के बारे में बातें कर रहा है। तो आपको रिवीजन कराना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा मेरे मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, KBS प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा हुआ था। देखिए ये प्रश्न जब आया हुआ था, अक्सर आप देखते हैं एक दो प्रश्न जो है बोर्ड वाले गलत ही कर देते हैं, उसमें ऑप्शन सारे गलत थे, फिर भी यहाँ पर आपको ऑप्शन सही किया गया है। ऑप्शन दिख रहा है 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी, शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज, देखिए यही देखिएगा इनका पूरा नाम है, जैसे मैं आपको लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, नाम पर भी इनके प्रश्न बन जाता है, तो इसलिए आप नोट कर लीजिए। शिव सिंह सेंगर, क्या नाम था? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। तो आपसे इनका नाम क्या है? शिव सिंह सेंगर। किस नाम से रचना रची थी? शिव सिंह सरोज के नाम पर रची। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगभग जो है कितने
का वर्णन मिलता है तो इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बाकी जब ये बोर्ड में प्रश्न पूछा हुआ था तो उसमें क्या था, ऑप्शन गलत रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर पांचवे पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। किस भाषा की बात कर रहा है, आंग्ल भाषा में। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रीव्स। कौन है भैया, पादरी एडसन ग्रीव्स जी हैं। पादरी एफ ई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर, इसी में पूछा जाता है, दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉन है कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो कई सारे बच्चे जो आप सोच रहे हो जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन में और इनमें अंतर समझिए। दोनों मैं लिख देता हूँ, अभी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, फिर भी लिख देता हूँ, लिख लीजिए दी, क्योंकि कन्फ्यूजन में यही पैदा करता है। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्ना, देखिए लिखने का बहुत प्रयास करिएगा हमारे साथ, आप बहुत सादा लिखने का प्रयास करिएगा। आपको बसरते इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। हर एक पीडीएफ आपको मिलेगा, जितनी क्लासेज होंगी सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा, लगभग 20 पुस्तकों को एक साथ संजो करके आपको मिलेगा। आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ते समय जब पॉइंट बताया जाए तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसका आप प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट निकालने के बाद जैसे जैसे मैं कर रहा था वैसे वैसे नोट डाउन करेंगे, भले आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा फिर भी आप जब ऐसे लिखोगे तो ये क्या होता है, याद हो जाता है, भूलता नहीं है, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जब इनकी बात आती है पादरी एडसन ग्रीव्स की, जैसे आपने देखा कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर, यहाँ क्या नाम है देखो, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, किसकी बात करा है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसकी पुस्तक का नाम मैं बता देना चाहूँगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एफ ई के, यहाँ आप देखिए, यहाँ जो आप दिख रहे हैं एफ ई के द्वारा रचित जो पुस्तक है बहुत कंफ्यूजन में लाती है आप सभी मेरे विद्वान साथियों को। तो देखो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए समझिए, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, पादरी एफ ई के। अच्छा, और बाकी मैंने बताया कि आंग्ल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यहाँ ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ इसके सामने भी लिख देता हूँ जैसे कि आपको भूले ना, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात करेगा तो कौन होगा भैया, आंसर पादरी एडसन ग्रीव्स जी हो जाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसी तरीके से आप निकालते हुए चलिएगा। आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी हो गया। बाकी गारसा दत्तासी के बारे में तो अभी आपने पढ़ के आया कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट रचना कोई हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात पूछे या फिर आपसे जो है कुछ भी तरीके जैसे इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक की बात आती तब गारसा दत्तासी का नाम आता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच के बाद क्वेश्चन नंबर छह आपके स्क्रीन पर है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। वाह, अभी अभी हमने आपको देखिए पहले ही प्रश्न के साथ इसको बहुत अच्छे से बताया था, तो बताना चाहूंगा ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किसने किया था। ये आपका ऑप्शन दिख रहा है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। अब इनसे बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ किशोरी लाल गुप्त, आप किशोरी लाल गुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। किशोरी लाल गुप्त का जन्म जो है 1916 में कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले में भदोही। कौन से जिले में, भदोही। कहाँ पर है ये भदोही भैया, यूपी में स्थित है, इलाहाबाद से आगे बढ़ो बनारस के इधर आओ
बीच में पड़ जाएगा आपका भदोही कालीन नगरी के नाम से जानी जाती है, भदोही था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको बिंद गौरव के नाम से जो है, तो ये नोट कर लीजिए, बिंद गौरव सम्मान के साथ किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त को ही सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति कभी कभी पूछी जाती है, तो सूरसागर की टीका जो कि 4 खंडों में है वो थी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी प्रकार से। अब जैसे मान लीजिए इसी में क्वेश्चन आपसे कहे कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पूछा जाए कि किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवादित किया, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बताया कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का जो लेखक है उनका नाम आपने देखा, जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा साहित्य में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है। साहित्य की सबसे बड़ी जो दिक्कत का समस्या का कारण होता है वो जो है, यदि आप सही से सुनते नहीं हैं तो वहाँ पे जाके परेशानी लगता है। आपको लगेगा कि लग रहा है कि एक ही ग्रंथ को 4 लोगों का बताया जा रहा है। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं भी अपवाद स्वरूप की, एक ही नाम से 2-3 कवियों ने 2-3 लेखकों ने किया भी है, तो वहाँ भी थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन उस समस्या को आपके हम जड़ से समाप्त करेंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 7, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? वाह, वेरी गुड। बताना चाहूंगा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ही आते हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा कब दी, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा है। तो आदिकाल की अंतिम सीमा जो थी वो 1400 ईस्वी तक मानी है। कितनी मानी है? 1400 ईस्वी तक। बाकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से माना हुआ है, ये भी आप जानते हुए चलिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो बताइए कवियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति, कौन सी कृति है भैया, इनकी कृति का नाम भी लिख लो मेरे मित्र, मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 800 से भी अधिक काल खंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है? मिश्र बंधु विनोद, देखिए वही प्रश्न आ गया ना, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। अब इसमें लेखकों के नाम की बात कर रहा है, तो मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम में आप देखिए, आपका ऑप्शन भी दिख रहा है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जी हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 कब 1913 ईस्वी में किया गया, जबकि चौथे भाग का जो प्रकाशन है 1934 ईस्वी में किया गया। देखिए बल और आपका, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी। अच्छा देखो, पहला ऑप्शन गलत क्यों हो गया? इसमें दिख रहा है श्याम बिहारी मिश्र, उसके बाद सुखदेव बिहारी मिश्र और उसके बाद दिख रहा है राम बिहारी जी नहीं थे, इसलिए गलत हो गया। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, यहाँ राम बिहारी दे दिए, ये गलत हो गया। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी दे दिए, इसलिए गलत हो गया। जबकि इसमें नाम किसका आना चाहिए? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। अब देखो, मिश्र बंधुओं ने
परिवर्तन काल की बात किया जा रहा है कि समय सीमा कितने भागों में डिवाइड किया है, यानी कब से कब बताया है, तो बताना चाहूँगा मिश्र बंधु विनोद। अभी अभी आपने देखा मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया गया, जो कि अगर आपको बताना चाहूँगा, नोट कर लीजिए, आपसे पूछा भी जा सकता है, पहला जो विभाजन था उसको जिसको हम प्रारंभिक काल किसके नाम से जानते हैं भैया, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल जो था ये कब से कब तक था, ये नोट कर लीजिए 700 से लेकर के 1440, 700 लेकर के 1440 विक्रम संवत तक था, विक्रम संवत तक। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो था वो माध्यमिक काल था, माध्यमिक काल, कौन सा काल मेरे दोस्त, माध्यमिक काल। माध्यमिक काल कब से कब था, ये था आपका 1445 से लेकर के 1680 विक्रम संवत तक था। उसके बाद तीसरा है अलंकृत, अलंकृत, अलं अलंकृत, थोड़ा सा ये यहाँ होना चाहिए था, अलंकृत काल। अलंकृत काल जो था यह 1681 से लेकर के 1889 विक्रम तक था। और उसके बाद जो चौथा काल था वो था परिवर्तन काल, कौन सा काल, चौथा काल जो था परिवर्तन काल, ये कब से कब तक था, 1890 से लेकर के 1925 विक्रम तक था। और पांचवा भी लिख लीजिए लगे हाथ, पांचवा जो काल था वो था वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल जो अभी चला है 1926 विक्रम से अब तक का जो समय है वर्तमान काल। तो देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया गया, जो कि कितने प्रकार, कौन से काल में पूछा जाएगा, तो पहला था प्रारंभिक काल, इसकी समय सीमा 700 लेकर के 700 से 1440 विक्रम तक। उसके बाद माध्यमिक काल में 1445 से लेकर के 1680 विक्रम तक। थर्ड था अलंकृत काल 1681 से लेकर के 1889 विक्रम संवत। और उसके बाद चौथा है परिवर्तन काल, जो कि 1890 से 1925 ईस्वी तक। और पांचवा वर्तमान काल 1926 से अभी तक का जो समय आ रहा है 1926 विक्रम से। अब क्वेश्चन आपसे करा परिवर्तन काल की, तो भैया बता दो 1890 विक्रम से लेकर के आपका कौन सा हो जाएगा 1925 विक्रम संवत तक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। कौन सा जवाब होगा मित्रों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक काल का समय सीमा, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, यही क्वेश्चन आपसे बदल देता कि मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की समय सीमा कितना निर्धारित किया, तो आप बताते। तो एक साथ देखिए कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, 5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा है, जरा इस पे भी आइए ध्यान देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया, किसकी बात की जा रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, क्या कह रहा है, प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान, किसकी बात, प्रथम उत्थान का जो समय सीमा था वो 1868 से 1893 ईस्वी, अगर संबत, कभी कभी आपसे संबत ये ईस्वी दिया है, संबत पूछा जाता है, 1925 संबत आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है, 1925 से लेकर के 1950, 1925 से लेकर के 1950 तक, तथा द्वितीय उत्थान, ये प्रथम था, द्वितीय उत्थान का समय 1893 से स्टार्ट होता है, कब से, 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी। अच्छा मैं लिख देता हूँ, पहले पूरा लिख ही देता हूँ क्योंकि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला आपसे जान जाइए, आपसे क्वेश्चन जो पूछा रहा जा रहा है, प्रथम ही पूछा है, प्रथम का जो समय सीमा था वो 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी ईस्वी था, लेकिन अगर संबत में पूछता तो संबत में क्या हो जाता है, 1925 से लेकर के 1950, 1925 से लेकर के 1950 है। अच्छा, उसके बाद द्वितीय उत्थान का जो समय था वो था 1893, जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी, यानी जब इसकी संबत की बात करेगा कि संबत कब से कब तक था, तो संबत में आ जाएगा ये 1950 से लेकर के 1975 तक, 1975 यानी 1975 तक तय किया। अच्छा
भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोग ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के इसीलिए क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आपको समझ में आया कि नहीं? यही क्वेश्चन आपको बदल बदल के दिया जाए। प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित कीजिए। विक्रम संवत में विक्रमी में पूछेगा, तो विक्रमी में क्या हो जाएगा भैया, 1925 से लेकर के 1950। ईस्वी में पूछेगा 1868 से 1893। बहुत सारे अलग अलग तरीके से पूछेगा, तो आप बता लेंगे। किसकी बात कर रहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब यही अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब माना है, तो द्वितीय उत्थान का जो समय है वो 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी, अर्थात संवत 1950 से 1975 ईस्वी है। आशा करता हूं कि यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़े आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपके वनडे एग्जामिनेशंस में भी यह प्रश्न कई मरतबे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? कौन से सभा की? नागरी प्रचारणी सभा। अगर मैं पूरा नाम लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए नोट कर लीजिए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में किसके द्वारा, किसने किया था? डॉक्टर ये चल नहीं रहा पेन, थोड़ा सा देखिए, श्याम सुंदर दास जी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। यह भी पूछा जाता है कौन सी संस्था है, किसके लिए, तो ना हिंदी का जो आपका लिपि है उसके लिए जो है इसको प्रधान माना जाता है। हिंदी साहित्य के वियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास ही थे। तो देखो कितने सारे तरीके से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कहे कि काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1893 ईस्वी में ये प्रश्न ही पूछा जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन डी होता। क्वेश्चन कह सकता था कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो जब संस्था की बात आएगी तो उस संस्था का नाम आएगा काशी नागरी प्रचारणी सभा, यानी कहीं कहीं पर शॉर्ट में लिख दिया जाता है आपसे, तो वहां पर भी आप जान जाएंगे। आगे बढ़ जाए मित्रों, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 मिलता जुलता कुछ प्रश्न है। क्या कह रहा है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? अब यहाँ पर कह रहा है कौन नहीं था, अभी भी आपको बताया ये क्वेश्चन इसी तरीके का है, थोड़ा सा बदल के आया है। बताना चाहूँगा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1893 को कहाँ पर हुई थी? वाराणसी। कहाँ पर हुई थी मित्रों? वाराणसी में हुई थी। जिसकी स्थापना में कौन कौन लोगों का स्थान है, अभी अभी मैंने दिया, बाबू श्याम सुंदर दास। अच्छा यहाँ बाबू कहा जाता है तो भैया बाबू लिख लो, बाबू श्याम सुंदर दास। दूसरा नाम हो गया पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान था। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, बाबू यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये
हो गया, तो इसको बना लीजिए बाबू श्याम सुंदर दास बिल्कुल, पंडित राम नारायण मिश्र बिल्कुल, यहाँ ठाकुर शिव कुमार सिंह बिल्कुल, तो ये इसमें सी नहीं मिल रहा है, यानी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी। आचार्य रामचंद्र वर्मा, यहाँ जो रामचंद्र वर्मा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लूँ, ठीक है, क्योंकि ये बच रहे हैं, यही आंसर हो गया। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं, क्या रहे हैं, हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्दकार की शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी, बहुत फेमस रचना है, पूछा जाता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। तो महात्मा गांधी नामक पुस्तक किसने लिखा, रामचंद्र वर्मा ने लिखा, आचार्य रामचंद्र वर्मा ने लिखा। तो ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप बता लेंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया, यानी नागरी प्रचारणी सभा लिखे या काशी नागरी प्रचारणी सभा में कौन नहीं था, तो यही आपके आचार्य रामचंद्र वर्मा जी नहीं थे। आइए बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी, बिल्कुल आपका ऑप्शन भी होगा 1820 ईस्वी में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, किसके अध्यक्षता में, किसके द्वारा, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो बताना चाहूँगा लॉर्ड वेले जेली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 18 को, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो कब होता है, 10 जुलाई 1800 को मार्कस ऑफ वेलजेली ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया था, तो आप नाम लिखिएगा मार्कस ऑफ वेलजेली ने किया था, और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, नोट करिए, लॉर्ड वेले जेली ने, यानी जिसको, किसको, लॉर्ड वेले जेली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में, तो भैया उनका नाम भी लिख लो, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। पहले क्या किया था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, सबसे पहले क्या किया था, बहुत ही अच्छा, ये पॉइंट नोट कर लिए, ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही क्या बन गया, बाद में यही संस्था जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि बताओ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो भैया वही है 1800 ईस्वी में ही हुई थी। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कब, 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि कलकत्ता में स्थापित, कहाँ पर स्थापित थी, ये स्थान आपसे पूछा जाएगा, तो आप जानते ही हैं कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट ही थे। आगे बढ़ जाएं, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, अभी हमने बताया ना कि जो उन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट ने उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उन्होंने ही हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। किसने,
फिर से समझ जाइए, जो मार्क्वेस ऑफ वेल्जिली था इसने तो स्मृति में जो है बनाया था, लेकिन जो गिलक्राइस्ट था उसके हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किसके, उसी के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष चुना गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सदल मिश्र की भाषा की विशेषता, तो सदल मिश्र की जो भाषा थी उसमें जो है अगर देखा जाए तो पूर्वीपन का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। सदल बिहार क्यों, उसका कारण है थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। बहुत सारे ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप जैसे जैसे पॉइंट सुन रहे हैं, कौन से पॉइंट पंडित थे, शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था, नंदमणि मिश्रा था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक भी थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित तो होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लिमिट टाइम में, एक अच्छा टाइम में बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुख सागर का विषय है, किसके विषय की बात करा है, सुख सागर का विषय है, तो बताओ भैया सुख सागर का क्या विषय था। आपने एक पुस्तक पढ़ा भी, मैंने बताया भी पीछे आपको कि डॉक्टर नगेंद्र कृति पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार नियाज नहीं, यानी जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, परंतु सुख सागर इनका उपनाम था। अब प्रश्न बनता है, अगर उपनाम था तो आगे क्या करें, तो विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हुई, सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना थी, सज्जन दुर्जन का विवेचन, और वार्तिक जो है बाबा दयालुदास के ध्रुपदों का भाष्य उसमें मिलता है। तो यानी इसमें जो है अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, उसी को क्या किया गया, यहाँ पर रख दिया गया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी कौन है भैया, राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संबत, पूछा गया है कई मरतबे, यह ग्रंथ कब, संबत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया, बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। किसने बताया है, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने इसे खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो क्वेश्चन आपसे कहे कि योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, ये आपको नासिकेतोपाख्यान दिख रहा है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार में नाम आता है सदल मिश्र का। कहाँ, किसका नाम आता है, सदल मिश्र का। थोड़ा सा पहले अच्छा हम इसके इतिहास के बारे में झांक लेते फिर आपको बताते हैं। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक जो थी 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में किसके द्वारा रची गई, जटमल के द्वारा रचित गई, यानी जटमल कृत, किसके द्वारा, जटमल कृत। किसकी कथा का उल्लेख मिला, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक
प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्रे ओम लल्लूलाल दोनों का नाम आता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक प्रथम गद्यकार, देखिए आधुनिक प्रथम गद्यकार की जब बात की जाती है तो इसमें दोनों लोगों का नाम आ जाता है। किसका किसका आपको बताना चाहूंगा, सदल मिश्र का भी नाम आता है और लल्लूलाल जी भी आ जाते हैं। भैया कौन से आ जाते हैं, लल्लूलाल जी आ जाते हैं, दोनों शामिल हैं। क्यों, इसका कारण क्या है आपको बताना चाहूंगा। अभी पिछली क्लास में हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था जिसमें आपसे ये क्वेश्चन किया कि सदल मिश्र की भाषा कौन थी, उसमें भी बताया। उसके पहले हमने बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई और जब वहाँ पर 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलजली ने किया, गिलक्रिस्ट यानी गिलक्रिस्ट नहीं ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं, गिलक्राइस्ट था नामों से, गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। अब लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों लोग एक साथ उस कॉलेज में पहुंच गए। कब पहुंचे, 1800 में, तो मान लो रचना 1800 में, तो मान लीजिए 1800 में कॉलेज ही बना, परिवर्तित हुआ। अब जब फोर्ट विलियम कॉलेज में दोनों एक साथ चले गए तो वहाँ पर सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेत उपाख्यान की रचना की। किसकी रचना किया, नासिकेत उपाख्यान की रचना किया। तथा ये लल्लूलाल जी क्या कर रहे हैं, 1805 ईस्वी में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर, ये जो आप देख रहे हो ना प्रेम सागर, इसकी रचना किसने किया, लल्लूलाल ने। ये कब भैया, 1805 में नासिकेत उपाख्यान ने किया भैया, 1803 ईस्वी में। अच्छा देखिए 1805 ईस्वी में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। यह भी पूछा जाता है किसका प्रकाशन हुआ था, श्रीमद् भागवत गीता जो कि हिंदुओं का सबसे पौराणिक ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में गद्य रूपांतर किया। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेत उपाख्यान खड़ी बोली का पहली रचना मानी जाती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक कुंजी में इसका उत्तर जो था जो है पहले तो प्रेम सागर मान लिया था, फिर बाद में उसने क्या किया, नासिकेत उपाख्यान को ही बताया था। उसका कारण मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि 1803 में ही इसका प्रकाशन सदल मिश्र ने कर दिया जबकि लल्लूलाल जी ने 1805 में किया। तो पहला कौन हुआ, पहले तो भैया आया कौन, यानी सदल मिश्रा जी आ गए 1803 में लेकर के नासिकेत उपाख्यान। तो कौन सी रचना हुई, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न पर, आइए क्वेश्चन नंबर 19। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको बताना चाहूंगा नरेंद्र कोहली का नाम आपने सुना होगा। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा, इसको नोट करिए आप, व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी, कौन है भैया, पंडित लल्लूलाल, भैया लिखो पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। किसमें किया था, गद्य का लेखन किया था, किसमें किया था, खड़ी बोली गद्य का लेखन किया था। अच्छा फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। किसको जाता है, गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। क्यों, क्योंकि 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। अच्छा क्यों हुआ, अभी तो हमने कारण आपको बताया कि खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेत उपाख्यान किसने लिखा, सदल मिश्र ने लिखा। तो भैया आप इस क्वेश्चन का तो जवाब दे ही सकते थे कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, सदल मिश्र का नाम आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, बाकी जब आपकी खड़ी की बात मैं कर रहा हूं, खड़ी की
बाकी जो है आपसे यह क्वेश्चन कहे कि नरेंद्र कोहली के अनुसार, तो नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। उन्होंने क्या लिखा कि क्या किया है कि खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। गद्य के लेखन की जब बात आती तब लल्लू लाल जी को हम मान लेते, लल्लू लाल जी को बुला लेते, लेकिन यहाँ पर खड़ी शब्द की बात कर रहा है कि किसने किया था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ भी था। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न इस सेशन का कह क्या रहा है, जरा उस पर गौर करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे दोस्तों, गौर से समझिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आधुनिक हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात, किसके नाम से विख्यात हैं भैया, राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, उनके नाम आपको बताने हैं, तो बताइए। आपको दिख रहा है यहां पर ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दोस्तों बताना चाहूंगा, फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनमानस को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व तो कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। किसके चक्कर में, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह जी। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता जो थी वो भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। यानी एक ने कहा नहीं मैं उर्दू लिखूंगा, एक ने लिखा लिखो उर्दू मैं संस्कृत लिखता हूँ। जैसे देखते नहीं आधुनिक युग में क्या होता है, प्रतिद्वंदिता होती है ना, तो वैसे प्रतिद्वंदिता हुई। तो आपसे क्वेश्चन करें कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार, इसीलिए इनको राजा द्वय के नाम से विख्यात कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये प्रतिद्वंदिता थी दोनों में। शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के बड़े अच्छे विद्वान थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा ठीक है आप उर्दू को लिखो, उर्दू को बढ़ाओ तो हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे। भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी राजा लक्ष्मण सिंह ने और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू की। क्यों, आपको उसका कारण बताना चाहूंगा। कहा भी जाता है कि फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनमानस को फारसी शब्दों से ही बोझिल कर दिया था, ठीक है। बाकी आपको पता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से कहा जाए, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये आप तो बता दिया सदल मिश्र। लेकिन यदि आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि हिंदी के प्रथम गद्यकार, वही मैंने आपको बताया था, हिंदी के प्रथम गद्यकार की जब बात आती तो लल्लू लाल जी का नाम आएगा। क्यों आएगा, उसको मैंने कारण बताया था कि नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया, इसीलिए हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में जाने जाएंगे। जब बात करेगा प्रथम गद्यकार के रूप में तब तो लल्लू लाल जी आएंगे, लेकिन जब खड़ी बोली शब्द की बात करेगा तो वहां पर सदल मिश्र ही आएंगे। कोई कन्फ्यूजन ना पैदा करो मेरे दोस्तों, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना पैदा करो। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछे गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, तो जटमल के द्वारा, मैंने उसको बताया ही दिया था, ठीक है। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत या आपत्ति नहीं हो सकती। अगर कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन, एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि यह जो है आपका सेशन जो हुआ यह आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपने कितना इसका यूज किया। एक बात कहना चाहूंगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था
पतंग हवा के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ सबसे ऊंची उड़ती है, बल्कि उसके खिलाफ सबसे ऊंची उड़ती है। तो कंपटीशन क्या है क्या नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बताता हूं, यदि आप अगले कुछ दिनों तक जुड़े रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंपटीशन सच में है क्या, उसको बहुत आसान बना देंगे और 100% आपके बीच में एकदम अच्छे। क्योंकि एक जरूरी आपका मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जरूरी आपका लक्ष्य भी होता है। यदि आप लक्ष्य ही डिसाइड नहीं करोगे तब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कहा जाता है रहने दे आसमा जमी की तलाश कर, रहने दे आसमा जमी की तलाश कर, यानी आसमान को मत जाने का प्रयास करो, जमी की ही तलाश कर, सब कुछ यही न कुछ और तलाश कर, यानी सब कुछ यही है और कुछ आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, आप जो सोचिए वो आपको मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या है। बस जीने के लिए एक लक्ष्य या एक वजह की तलाश करो, एक लक्ष्य और एक वजह की तलाश करो। बताना चाहूंगा एक लक्ष्य आप बना लो कि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है, आपको टीजीटी पीजीटी निकालनी है, 100% आपकी परीक्षा निकलेगी। बस आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई प्रकार की कंजूसी ना करें। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आप सभी को आगामी परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।